दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और Facebook पेज वेट गुरुजी पर। दोस्तों अगर आपने अभी तक YouTube चैनल वेट गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके पास में बने घंटे के निशान को दबाकर ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट करें ताकि भविष्य में अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे पशुओं के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले लिक्विड एनिमल फीड सप्लीमेंट कोल के बारे में, जो केरस कंपनी का प्रोडक्ट है। इसका इस्तेमाल किन किन बीमारियों में किया जाता है और इसकी कितनी मात्रा पशु को देनी चाहिए और इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ये प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों कोल एक एक्टिवेटेड चारकोल सस्पेंशन है, ये 500 ml की पैकिंग में आता है और ये केरस लेबोरेटरी का प्रोडक्ट है। दोस्तों बहुत सारे लोग इससे परिचित होंगे इस प्रोडक्ट से, क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत ही प्रचलित हैं और इसका रिजल्ट भी बहुत शानदार है। दोस्तों इसका उपयोग की बात करें कि कोल का उपयोग किन किन परिस्थितियों में करना चाहिए, तो दोस्तों अगर आपके पशु को डाइजेस्टिव अपसेट्स है, बदहजमी है, तो उसके अंदर कोल का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों अगर आपके पशु का लंबे समय से डायरिया है, दस्त है, तो उसके अंदर भी कोल का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों अगर आपके पशु को पॉइजनिंग हो गई है, अगर जहरीला खाना खा लिया है पशु ने और जिसकी वजह से पॉइजनिंग हो गई है, तो उस परिस्थिति में भी कोल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों डाइजेस्टिव अपसेट्स की बात करें, बदहजमी की बात करें, तो अगर आपके पशु का खाना सही से पच नहीं रहा है या फिर एसिडोसिस के कारण बदहजमी हो रखी है या फिर ज़्यादा खाने खा लेने के कारण बदहजमी हो रखी है या फिर शरीर में अतिरिक्त अमोनिया होने के कारण बदहजमी हो रखी है, उस परिस्थिति के अंदर कोल का उपयोग करने पर बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलता है दोस्तों। और डायरिया में बात करें, तो अगर आपके पशु को लंबे समय से दस्त है तो उसके अंदर कोल का बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। दोस्तों भोजन में परिवर्तन करने के कारण अगर आपके पशु को दस्त है तो उसमें भी कोल का अच्छा रिजल्ट है। बैक्टीरिया युक्त जो खाना है या फिर जो चारा है अगर आप अपने पशु को डाल दिया है जिसकी वजह से दस्त हो रखी है, तो उसमें भी कोल का बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। दोस्तों पशु अगर हरा चारा खा रहा है जिसकी वजह से दस्त हो रही है, तो उसमें भी कोल का बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। दोस्तों पॉइजनिंग की बात करें, जहरीला खाना अगर आपके पशु ने खा लिया है तो उसके अंदर भी अगर आप कोल दे रहे हो पशु को, तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके पशु ने कीटनाशक मिला भोजन खा लिया है या फिर जो शाकनाशक होता है वो मिला भोजन खा लिया है या फिर रसायन युक्त भोजन खा लिया है, तो उसमें भी कोल का बहुत ही बढ़िया रिजल्ट। दोस्तों अब बात करते हैं कि कोल प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं। तो दोस्तों कोल एक लिक्विड एनिमल फीड सप्लीमेंट है और इसका प्रेग्नेंट पशु पर कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, ये प्रेगनेंसी सेफ है। दोस्तों कोल की डोज की बात करें, तो दोस्तों ये आप गाय और भैंस और घोड़े को आप 0.5 से 1 ml पर kg बॉडी वेट दे सकते हो। जैसे आपके पशु का भार 300 किलो है तो आप 150 ml से 300 ml तक अपने पशु को दे सकते हो। और जैसे सीधे डोज की बात करें तो 250 ml की आप एक खुराक अपने गाय भैंस और घोड़े को दे सकते हो। और अगर आपके पास छोटा बछड़ा है, भेड़ है, बकरी है या फिर सुअर है, तो उसको आप 1 से 2 ml पर kg बॉडी वेट दे सकते हो। जैसे आपका बछड़ा 50 किलो का है तो आप उसको 50 से 100 ml तक दे सकते हो। अगर आपके पास कुत्ता या बिल्ली है तो उसको आप 2 से 3 ml पर kg बॉडी वेट दे सकते हो। और दोस्तों इसकी जो दूसरी खुराक है वो आप 12 घंटे के बाद में दे सकते हो। दोस्तों जो कोल का जो सस्पेंशन है वो बहुत ही गाढ़ा होता है, उसको आप पानी के साथ मिला करके दे सकते हो अपने पशु को। दोस्तों कोल का उपयोग करने से पहले बोतल को अच्छी तरीके से हिला लेना चाहिए। दोस्तों कोल के बारे में आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और दोस्तों वेट गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में बने घंटे के निशान को जरूर दबाएं ताकि समय समय पर अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।